दोस्तों अक्सर घर के बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि रात के समय कब्रिस्तान या शमशान में नहीं जाना चाहिए। केवल यही नहीं बल्कि ये भी कहते हैं कि वहाँ से रात के समय गुजरना भी नहीं चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की क्या है वजह। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों कुछ लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन इस बात को अगर मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो हिंदू शास्त्रों के अनुसार रात को नकारात्मक शक्तियाँ अधिक प्रभावी होती हैं। ये नकारात्मक शक्तियाँ मानसिक रूप से कमजोर किसी भी व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती हैं। और वहीं मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भावात्मक रूप से कमजोर हो और नकारात्मक सोच से घिरा हुआ हो तो संभावना और भी बढ़ जाती है। प्रायः जब भी कोई व्यक्ति इन नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आता है तो उसका खुद पर काबू नहीं रहता, वह उनके बस में हो जाता है। और दोस्तों इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव सभी मनुष्यों पर होता हो, लेकिन कमजोर सोच के लोगों पर नकारात्मक शक्तियां तुरंत हावी हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात को किसी भी कब्रिस्तान या शमशान में नहीं जाना चाहिए और ना ही उसके पास से गुजरना चाहिए। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।